बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मीट बॉल पोटैटो डम्पलिंग, जिसको बनाना बहुत इजी है। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मीट बॉल पोटैटो डम्पलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए चीज़ें देख लेते हैं। ये मैंने लिए है कैबेज, बंद गोभी है, इसे मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। तो ये हमारे पास हाफ के जी कीमा है, जिसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है तो इसका ब्लड निकल गया। ये मेरे पास 2 एग हैं रूम टेम्परेचर पे, 1 लार्ज ओनियन है जिसे मैंने चॉप कर लिया है और उसका पानी जो है स्क्वीज कर दिया है, 3 क्लोव्स मेरे पास थे गार्लिक के तो ऐसे मैंने इसे चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल घी कुछ भी ले लें, और ये हमारे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून है पार्सले कोरिएंडर, ये मैदा है तकरीबन 4 टेबलस्पून, मसालों में से हमारे पास है 1 टीस्पून ओरिगैनो का पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पास है क्यूमन, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून हमारे पास है रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून हमारे पास है ब्लैक पेपर। अभी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमे की तैयारी करेंगे, फिर हम पोटैटो की करेंगे बताएंगे साथ साथ। ये 1/2 kg कीमा है जिसे अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया था और इसका ब्लड अच्छी तरह से निकल गया। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी कैबेज, अभी थोड़ी इतनी ऐड करते हैं। रूम टेम्परेचर 2 एग, 1 लार्ज ओनियन, इसका पानी मैंने निकाल लिया, कोरिएंडर 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून घी या ऑयल, 3/4 cloves गार्लिक, 4 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा सा भी ऐड करेंगे, तकरीबन मैंने इसे 2 टेबलस्पून ऐड किए, ये मसाले चले जाएंगे। अभी इसे मिक्स करेंगे। ये लंच के लिए और डिनर के लिए ये मीट बॉल बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही यम्मी बनते हैं और ये ओवन की रेसिपी है आज। झटपट आप डिनर या लंच रेडी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अभी बाकी वाली कैबेज भी ऐड कर देंगे। बहुत ही हेल्दी डिश है, आप खुद देखें, कीमा गया है वेजिटेबल में, कैबेज गई है, बाकी सारे सब अच्छी चीज़ें गई हैं इसमें, हेल्दी हेल्दी। अभी पोटैटो जाएंगे, बताऊंगी किस पॉइंट पे पोटैटो जाएंगे और कैसे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। दूसरी तरफ जिस पैन में मैंने बनाना है, थोड़ा मैंने उसमें ऑयल लगा दिया है। अभी इसे चारों तरफ से मैं ग्रीस कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैसे एक मीट बॉल लेंगे जितने अपने साइज का बनाना है, जितना बड़ा उतने साइज का ऐसे बॉल ले लेंगे। ऐसे ही अपने गैप पे रखेंगे।
तीन इधर रख देते हैं और बाकी तीन बनाते हैं। बनाते जाएंगे इस तरह, ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब हमारे सारे मीटबॉल रेडी हो गए हैं। अभी हमने क्या करना है, स्पेस बनानी है, तो ऐसे करके स्पेस बनाएंगे, यानी एक बोट की शेप इसे देनी है। यहां साइडों से इसे उठाना है। ऐसे स्पेस बना लेनी है। ये देखें कितने अभी प्यारे लग रहे हैं, इनको भी ऐसे कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी मैं इसे 220 डिग्री पे रख के तकरीबन 35 मिनट तक इसे बेक करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेक करना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी दोनों मैं ट्रे इसमें रख दूंगी, अभी मिलते हैं इंशाल्लाह 35 मिनट बाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब तक 35 मिनट तक हमारा कीमा जो है वो बेक हो रहा है, तो ये हमारे पास तकरीबन 7 पोटैटो हैं जिसे मैंने बॉयल कर लिया है और उसका स्किन को पील कर लिया है। अब मैशर से इसको मैश कर लेते हैं। देख लें कितनी यमी डिश बन रही है, तो सब हेल्दी चीज़ें इसमें जा रही हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पोटैटो जो है वो मैंने मैशर से मैश कर लिए हैं। अभी इसमें मैं मोज़रेला चीज़ है मेरे पास वो ऐड करेंगे, जितनी आपको पसंद है, क्योंकि इसके ऊपर भी जानी है तो अंदर मैं इतनी ही ऐड करती हूँ। अभी कुछ इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें है ब्लैक पेपर, और साल्ट ऐड करेंगे, और ओरिगैनो हो जाएगा भर के। ये हस्बैंड ज़रूरत मैंने तीनों चीज़ें ऐड की हैं, तो आप देख लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत है। अभी इन सबको मिक्स कर देते हैं। पेस्ट अभी गर्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक सॉसेस का रेडी करते हैं। इस तरह टमाटो पेस्ट ले लें 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हमने टमाटो का पेस्ट डाला, और इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। साल्ट है हस्बे ज़रूरत, ब्लैक पेपर और ओरिगैनो, ये भी थोड़ा सा। अभी इसे मिक्स करेंगे। अभी इसको पानी में ऐड कर दूंगी, जो कि 4 टेबलस्पून है। 4 टेबलस्पून मैंने पानी पहले डाला था, थोड़ा सा और डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून और। देखिए कितना इसे थिक रखना है मैंने। ये सॉस बन गया हमारा, तो मज़ीद अगर पतला करना है तो कर सकते हैं आप, लेकिन इतना थिक काफ़ी है, अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। और इसमें साल्ट पेपर चेक कर लीजिएगा। अभी सॉस रेडी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 35 मिनट हो गए हैं, तो मैंने ओवन से निकाल लिया इसे। देखें हल्का हल्का सा इस पर कलर आया है। और बाकी ये हमारे पास पोटैटो थे, उसका हम एक बॉल सा बना लेंगे, लंबा सा बॉल बनाएंगे इस तरह। देखें लंबा सा एक बॉल बनाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, जो हमने इसका गैप बनाया था इसके ऊपर रखेंगे। इसमें बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे पोटैटो के जो बॉल हैं लंबे वाले, वो मैंने इस तरह बना के इसके ऊपर रख दिए हैं। अभी सॉस जो हमने बनाया था टोमेटो पेस्ट, वो ऐड कर देंगे इसमें, कुछ इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। सॉस चला गया, अभी हम हमारे पास मोजरेला चीज है वो इसके ऊपर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मोजरेला चीज़ भी मैंने डाल दिया, अभी बेक करेंगे 220 पे ही इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारे मीट बॉल पोटैटो डम्पलिंग रेडी हो चुके हैं, बहुत ही यमी बने हैं। पोटैटो डम्पलिंग रेडी हैं, बहुत यमी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।